गाइस, तो स्वागत है आप सभी का और एक बार अपने और एक नए वीडियो पे। सो जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही चल चुका होगा कि गेम आ चुका है, अर्ली एक्सेस मिल चुका है। एंड अगर आपको अर्ली एक्सेस नहीं मिला, अगर आपको अर्ली एक्सेस चाहिए तो वीडियो एंड तक देखना। वीडियो के एंड में एक बहुत ही बढ़िया टिप बताऊँगा कि आपको अर्ली एक्सेस मिल जाए तो गेम फाइनली डाउनलोड वगैरह कर लो। आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप डेटा ट्रांसफ़र कैसे कर पाओगे, मतलब ई गेम में आपका पुराना डेटा इस गेम में कैसे ला पाओगे। सो शुरू करते हैं अपनी वीडियो विदाउट टाइम पास के। सो अंदर जाते ही मतलब आपको स्टार्टिंग में कुछ 750 MB का एक अपडेट आ जाएगा। एंड जैसे ही आप गेम में एंटर करोगे आपको अराउंड 650 MB जैसे कि आप देख सकते हो ऐसा कुछ आपको एक अपडेट मिल जाएगा। आपको ये सब अपडेट करना है तो मैं अब ये सब फटाफट अपडेट कर देता हूँ। ओके, सो मेरा अपडेट भी हो चुका है। तो अब हम लोग गेम रिस्टार्ट करने को बोलेंगे, जैसे कि एज यूजुअल पहले भी होता था कि अपडेट के बाद आपको गेम रिस्टार्ट करना पड़ता था। एंड अब हम यहाँ पे हमारा गेम रिस्टार्ट कर देते हैं गाइस। ओके, सो हमने यहाँ पे गेम हमारा रिस्टार्ट कर दिया है। सो यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्ट दिख चुका होगा कैप्टन का। यहाँ पे सब प्राइवेसी पॉलिसी है, आप सब चाहो तो ये सब रीड कर सकते हो एक बार। जैसे एज यूजुअल इतना कुछ उन्होंने दिया नहीं है जैसा पहले भी होता था, बट हाँ इस बार थोड़ा स्ट्रिक्ट किया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पहले भी पता था, रूमर्स वगैरह सब आए हुए थे। सो मैं ये अब पढ़ते नहीं बैठ रहा बिकॉज मैंने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। एंड देखो ये आप नीचे स्क्रॉल करके पूरा एक्सेप्ट कर लो। एंड आपका पहले का अकाउंट कहाँ से था वहाँ से आपको एक्सेस करना है, जो कि मेरा फेसबुक से था। तो मैंने फेसबुक के टैप किया एंड वहाँ पे टर्म्स एंड सर्विस वगैरह उनका आ चुका था। आपको फेसबुक से पहला लॉगिन करना है, जैसा कि मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है। बट आपको यहाँ पे डायरेक्टली डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा, आपको पहले फेसबुक से लॉगिन करना है एंड उसके बाद आपको एक गेस्ट अकाउंट बनाना है। मतलब एक सादा, मतलब अपन जो पहले एक नॉर्मल सा अकाउंट बनाते थे ना वैसा अकाउंट बनाना है। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, उसे एक्सेप्ट कर लो। फिर यहाँ पे आपको एक प्रपोजल आता है कि आपका पुराना गेम में का इसमें डेटा ट्रांसफ़र करने का है क्या नहीं। उसके लिए आपको यहाँ पे येस पे क्लिक करना पड़ेगा, येस, जैसे कि मैंने येस पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट डाटा ट्रांसफ़र का आपको और एक बार आ जाएगा येस प्लीज कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप रीड कर सकते हो और जान सकते हो उस पर क्या क्या लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे आपका डाटा ट्रांसफ़र हो चुका है, मतलब सक्सेसफुल। अगर आपको करना है अभी के अभी तो आपको यहाँ पे फिर से और एक बार येस पे क्लिक करना होगा। एंड येस कौन सा अकाउंट था, मतलब फेसबुक ट्विटर जो भी होगा उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। मेरा जो कि फेसबुक का था, आपको यहाँ पे फेसबुक से लॉगिन करना पड़ेगा। मैंने फेसबुक से लॉगिन कर लिया है। एंड यहाँ पे अकाउंट डाटा ट्रांसफ़र का एक लास्ट परमिशन मांग रहा है लास्ट बार, तो आपको यहाँ पे येस कर देना है। आपको अभी तक जितने भी आएंगे ना सभी पे येस एंड कंटिन्यू कर देना है अगर आपको डाटा ट्रांसफ़र करना हो तो। अभी आपने अगर इन्वेस्ट किया होगा तो आप ज़रूर डाटा ट्रांसफ़र करना चाहेंगे, या फिर आप नए से फ्रेश से शुरुआत कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा डाटा ट्रांसफ़र हो चुका है सक्सेसफुली। फिर से एक बार लॉगिन करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने अभी फेसबुक पे क्लिक किया है एंड डाटा ट्रांसफ़र प्रोसेस कंटिन्यू है। यहाँ पे हमें दिखाई दिया था ऊपर एक एक्सेस, तो ऊपर माइग्रेटिंग वगैरह कुछ आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक परमिशन आती है कि आप 18+ हो या नहीं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे दे सकते हो। मैं अभी कुछ कहूँगा नहीं, बट मैं हूँ तो मैंने येस कर दिया। आपको 18+ ना हो तो आपको रूल्स पता ही होंगे। एंड यहाँ पे आपका गेम आ चुका है टोटली। सेटिंग्स वगैरह आप चेक कर लो, यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर जैसा आपका ग्लोबल वर्जन था, आपके टैग्स, आपके अचीवमेंट्स, आपके टाइटल, फ्लैग, नेम टैग वगैरह इसका जो भी था आपका, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे रिटर्न मिल रही है। इक्वल टू आपका मतलब जो फ्रेम होता है ना वो भी मिल रहा है आपको, टाइटल्स भी मिल रहे हैं, फिर में आपके जो फ्लैग्स थे, नेम टैग वगैरह, वो सब सब आपको, मतलब जो जो आपका जो जो सिंगल मतलब ग्लोबल में था आपका, वो सारा के सारा यहाँ पे आया है आपको। एंड अभी मैं आपको अकाउंट दिखा देता हूँ मेरा एक बार। तो ये देखो नाम भी सेम आया हुआ है जो मेरा ग्लोबल में नाम था। जी देख सकते हो 309 UC थी, वो सारी की सारी आ चुकी है मेरे पास। सो ऐसे करके आप लोग भी डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। एंड यहाँ पे पूरी प्रोसेस सिंपल है, आपको स्टार्टिंग में लॉगिन करना है गेम को एंड उसके बाद एक सादा सुधा गेस्ट अकाउंट बनाना है। उसके बाद सभी परमिशन को अलाउ कर देना, मतलब एक्सेस येस कर देना है। एंड उसके बाद आपको फेसबुक या फिर आपका जो भी डाटा होगा, मतलब गूगल, ट्विटर, यहाँ पे सिर्फ मुझे दो ही ऑप्शन दिखे, एक था फेसबुक एंड दूसरा था ट्विटर। सो आप देख लो, आई थिंक मुझे यहाँ पे गूगल कहीं पे दिखा नहीं, सो होगा बट मैंने उतना ठीक से देखा नहीं। सो आप चाहो तो अपने अकाउंट से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। एंड यस गाइस, अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे जो था अर्ली एक्सेस कैसे मिलना है। सो सिंपल सी ट्रिक है, मुझे यहाँ पे मिला था अर्ली एक्सेस। आपको अगर अर्ली एक्सेस चाहिए होगा
तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, इस वीडियो पे आपको 200 लाइक्स करवाने हैं, 200 लाइक्स गाइस, कुछ भी कर दो, शेयर कर दो आपके दोस्तों में, फैमिली में, जितना हो सके उतना शेयर करना इस वीडियो को। अगर इस वीडियो पे 200 लाइक्स हो गए, मतलब मैं आज रात को स्ट्रीम करूँगा, अगर उसके पहले 200 लाइक्स हो गए, जब भी 200 लाइक्स हो गए, मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है कि आपको कैसे डाउनलोड करना है, 200 लाइक कर दो, मैं वो वीडियो तुरंत पब्लिक कर दूँगा। ओके गाइस, तो ध्यान में रखना 200 लाइक्स करने हैं आपको कुछ भी करके। ओके, तो अगर आपको चाहिए होगा लिंक, मतलब अर्ली एक्सेस, तो आपको मिल जाएगा, अगर 200 लाइक करोगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा, या तो फिर आपको देखना पड़ेगा। एंड यस, इसके उसके ऊपर हम लोग और एक वीडियो बनाएंगे इसके बाद, कि मतलब क्या क्या आपको रिटेन करके मिला है, कि आपके ओल्ड अकाउंट से न्यू अकाउंट में क्या क्या आया है, मतलब कैसी कैसी चीज़ें, कुछ नई चीज़ें, ये सब अपन मतलब एक्सप्लोर करेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड यस, आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, डाटा ट्रांसफ़र कैसा करना है आपको समझ आया हुआ हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। एंड यस गाइस, 200 लाइक्स करना मत भूलना। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय, सी या, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड पीस आउट।